समिति का आदेश मंड बसंत कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के रखड़ लीलाओं के साथ गुजरिया आपके समक्ष लिया रहो। 101 रुपए की राशि भैया एडवांस में प्राप्त हुई है। जिला पंचायत सदस्य और रेखा वड़ोदिया हरदा आपकी तरफ से प्राप्त होती है और इनकी भरमाई से भैया बाबा भोलेनाथ शिवतांडव और 251 रुपए की राशि भैया मुन्ना मिष्ठान भंडार डोलिया आपकी ओर से पूरे मिठाई का डब्बा प्राप्त हुआ है। भैया हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि भस्म कर देते हैं। तभी राजा सगर अंशुमन को पता लगाने के लिए पहुंचाते हैं। अंशुमन ने देखा कि मुनिवर ने सभी पुत्रों को भस्म कर दिया है। इधर उनके जीवन वरण के दोष से मुक्त कराने के लिए अंशुमन गंगा माँ को पृथ्वी लोक पर लाने के लिए कई वर्षों तक तपस्या करते हैं, लेकिन असफल हुए। अंशुमन से हुए राजा दिलीप और राजा दिलीप से हुए राजा भगीरथ, जो कि अपने पूर्वजों के जीवन मरण के दोष से मुक्त कराने के लिए भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हुए कहने लगते हैं, हो
करके हो गए कोई भक्त ही महा शिव शंकर से पाए देखो ये बरिदा की कठिन तपस्या कर रहा भागीरथ रे कभी तो खुश हो जाएंगे भगवान मेरे मह और आया भागीरथ अंगूठे के बल पर खड़े होकर के बाबा भोलेनाथ की भक्ति करते हुए कहने लगते हैं कि हे प्रभु और शिव शंकर डमरू बने भक्ति करते हुए कहते हैं शिव शंकर डमरू बने जब तेरा नाम शिव शंकर डमरू बने जब तेरा नाम शिव शंकर डमरू बने जब तेरा नाम हो शिव शंकर डमरू बने जब तेरा नाम शिव शंकर डमरू बने जब तेरा नाम तभी राजा भागीरथ कहने लगते हैं मुझे दोगे शिव जी भोले भाले मुझे दर से दिखा दो बोले मुझे दर से दिखा दो बोले जब तेरा नाम और आया भागीरथ कहने लगते हैं कि हे प्रभु कहने लगते हैं हो चारों दिशाओं में तेरी माया तेरी कृपा से जल तरमा है भागीरथ कहने लगते हैं कि हे प्रभु और तेरी कृपा से जल तरमा है और भागीरथ तेरी तरफ से बिजी चले जरा जरमाया
जटाओ तभी गलत ज्वल हरण का हरण का जय जय जय
ओ जय जय देव जय देव सदेसा हरण कलेसा मगन महेसा माहेसा जय देव सदेसा हरण कलेसा मगन महेसा माहेसा विशाल जटा जूत चंद्र भाल गंग के तरंग माल विमल नीर गाजे बिल्कुल भैया एक मिनट प्रसन्न भक्ति से प्रसन्न होकर के बाबा भोलेनाथ इधर वरदान वरदान दे देते हैं और एक मिनट प्रसन्न और उसके बाद भैया गुजरिया बिल्कुल हट करके भैया जो कि अभी तक आपने सुनी नहीं है तो कहना है माता रानी की शरणों ऐसी लाइनी की जो कि अभी तक आपने सुनी नहीं है तो कहना है कि